स्वागत है आप दोनों का टू स्टोरी में। जानना चाहते हैं आज शूटिंग फिल्म सिटी में है तो कितना अच्छा लग रहा है आप दोनों को? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तो काफ़ी सारे शूज मैंने शूट किया है, मैंने मर्यादा यहाँ पे शूट किया है, साथ में शूट किया है, तो काफ़ी सारी मेमोरीज है फिल्म सिटी को लेकर। एंड बहुत अच्छा लगता है जब भी हम क्लोज बाय होते हैं। एंड फिल्म सिटी की ना कुछ वाइब्स ही अलग है, जब भी आप एंटर करोगे ना ऐसा लगता है सच में अब हम शूटिंग के लिए आए हैं। हम सेट पर जाते तो वो एक अलग माहौल है, बट वेन यू एंटर अ फिल्म सिटी इट इज़ अ वेरी नाइस हैप्पी वाइब। मुझे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो हम एसी में बैठे रहते पूरा समय, ये जो नेचुरल हवा और ये मंदिर, मैं इस मंदिर में पहले भी शूट कर चुकी हूँ शुभलाभ के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत फैमिलियर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एकदम। और मतलब पूरे मुंबई में एक ही जगह है जहाँ पे हम जाके भगवान को मिलते हैं, और यही वो मंदिर है, यही वो मंदिर है। अगर मेमोरी की बात करें, इस टेंपल में कितने बार शूट पर आप लोग आ चुके होंगे अब तक? कई बार आ चुके, वही बोला ना, मुझे लास्ट मेमोरी शुभलाभ की याद है, उससे पहले याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ आई थी जब अहम और गोपी साथ रहते हैं, और गोपी को मैं शूट कर देती हूँ तो वो बस उसी पैच में गया था, सो ऑब्वियसली इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक। सो आज हम जैसे कि सीन की बात करें, आज क्या कुछ चला है हम उसके बारे में जानना चाहते हैं आप दोनों जन से। हम एक्चुअली एक रस्म करने आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने जो शादी करवाई थी या फिर जो भी पंडित जी ने शादी करी थी, जनक बस उसी के लिए आए हैं, उसके शाखा और सिंदूर सजाने के लिए उसे यहाँ लेकर आए हैं। हाँ, जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने सिंदूर की रस्म की थी, ज़बरदस्ती सिंदूर भी उसे जो है पहनने पे मजबूर किया था, और आज जब इन्हें पता चल गया कि इनके बेटे से ही शादी हुई है तो ये बड़ा बुरा लग रहा है। हाँ ना, ऑफ कोर्स। और ये लेकर आई है कि सब उल्टा करो, वापस तोड़ो, रिवर्स में जाकर सारी चीजें करो, तो बस हम इसीलिए आए हैं यहाँ पर। ओके, इस बार लगता है आप दोनों को साथ दे, कमेंट्स में काफी कमेंट्स आने वाले हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है और साथ कैसे आ रहे हैं। आपने कितनी मिन्नतें की है कि मैं बॉडी के साथ आके यहाँ पे बाइट्स टू, वरना मैं इनके साथ एक पल खड़ी भी ना रहना पसंद करूँ, जो एक्चुअल में मैं हूँ स्क्रीन पर, मैं उन्हें ऐसे ही ट्रीट। मैं अंदर की बात बताती हूँ, देखो मैं जिस दिन नहीं रहती हूँ ना ये रूम में रोती है कि मैं बॉडी को मिस करती हूँ, सीरियसली अंजना को बहुत मिस करती है। चाय दीजिए मेरी, चाय दो, देखो मेरे कहने पर वो चाय भी लेकर आई है। यहाँ भी काया मैं आपका, लाइक लुक एट दिस। अभी इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूँ आपको समझ आएगा, है ना, मैं ऐसे ही करती हूँ मैं बॉडी को, और उसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा। एक डलुलू इज द सलुलू, इट इज नॉट डलुलू। बॉडी का जो डेलुलू है वो हम वैसे रहने देते हैं, खुश रहेगी, है ना, खुश हो, खुश करती हूँ मैं, ये मुझे सही में बहुत मिस करती हूँ। हेलो, ओके, बात करें तो कभी किसी ने किसी के साथ प्रैंक किया अगर आप दोनों में से किसी ने? अब हो चुका है, हम उससे काफ़ी पार आ चुके हैं, हम मिल के प्लान करते हैं कि किसी को प्रैंक करें, और हमें अगर कुछ पसंद नहीं है या फिर कुछ बोलना है तो सीधा मुंह पे कर देते हैं, ये सब प्रैंक वाला हम लेजेंड्स बन चुके हैं। और हम इतने बेशर्म हो चुके हैं कि अभी एक दूसरे को कुछ बोल भी दे तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। तो रील बिल्कुल साथ में नजर आ सकती है ऑडियंस को बहुत जल्द, बट हमें टाइम नहीं मिल रहा है फिलहाल कुछ करने का, बट या श्योरली। एंड आई थिंक रील से ज़्यादा हम जो रील में टीवी पर जो कर रहे हैं उसमें ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा है, जो हम अंजना और बॉडी का जो तनुज और बॉडी जो है, वी एंजॉय डूइंग दैट। एंड रील तो कभी कभार फन के लिए हम कर ही देंगे, वरना हमारे कैरेक्टर्स को इतना सीरियसली लोग लेंगे नहीं, कुछ सोच के रखा हुआ है लेकिन एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए वैसा टाइम ही नहीं मिल रहा है, यही प्रॉब्लम। क्योंकि कुछ कमेंट्स आए हैं कि आप लोग रील में कब दिखेंगे, हमें कब दिखेंगे, मैं बोली जरूर मैं पूछूंगी, मिलेंगे तो प्लीज हमें भेजिए कि हमें कौन सी रील्स बनानी हमें, है हमें वैसा कुछ बताइए, फीडबैक दीजिए, सजेस्ट कीजिए, तो हम जरूर बनाएंगे। ओके, लास्टली ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? यार वही हमेशा के लिए है कि हमारे शो को देखते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हम जो ला रहे हैं हमारी स्टोरी में, दैट्स ऑल थैंक्स टू आर क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स एंड आर स्टोरी राइटर्स आर प्रोड्यूसर्स, एंड हमें बहुत मज़ा आता है शूट करने में, एंड आई एम श्योर लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है हमारा शो। और जल्दी देखते रहिए, और बहुत सारी कहानी की कहानी है, बहुत सारे और ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं, तो आप जितना प्यार देंगे हम तो मेहनत कर ही रही है, और रिजल्ट भी अब सामने ही है, बस एक ही दिन कल है ना। बस टॉप 1 में पहुंच जाए, टॉप 3 से बोल थैंकफुली गॉड विलिंग।
थैंक यू, अगर क्रॉस ये बात सच हो। थैंक यू।